परनी नाउ इट इज फाइन हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक आफ्टर 2 वीक्स। पिछले 2 हफ्ते काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बिजी थे, मैं बहुत कुछ कर रहा था। या सबसे पहले हम बात करेंगे परेशान अन्ना के साथ फ़ोटोशूट करके मज़ा आया। मैं और फयाज़ आज आए थे टॉप फैशन स्टोर शालीबंडा, बहुत अच्छी जगह है, कपड़े की दुकान है, ज़बरदस्त बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि शूज़ है, बेल्ट है, वॉचेस है, बहुत ज़बरदस्त दुकान है। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, उनको मैं इंट्रोड्यूस क्या करूं, नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। करीम फोटोग्राफी बोल के है जो यूट्यूब चैनल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो बनो भैया को। आज जो भैया जो फोटोस उतारे आईना जी भैया, ओफो क्या लुक दिया हमारे को भैया, ऐसा करके वैसा धरो, ऐसा करो, इधर से इधर करो। अरे भैया पूरा प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते ना, पूरा भैया वैसी चाहे, और भैया को भाई फॉलो करो, और आप लोग के फोटोज पोर्टफोलियो बनाना कुछ चाहिए तो भैया कुछ कांटेक्ट करो, बहुत ही ज़बरदस्त भैया। और फोटोज कैसा है देखो आप लोग, आपको देखने के बाद में ऐसे मालूम हो जाता है जी भैया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच करीम भैया, बता एक ही कॉल पे मेरे भैया आ गए और आके इतना सपोर्ट करे मेरे को, तो थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुआ मेरे को। और आगे चल के भी अपन अच्छा अच्छा काम करेंगे भैया, आपके साथ फोटोग्राफी करेंगे, आपके साथ वीडियोज भी बनाएंगे अपन इंशाल्लाह, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और पब्लिक को अच्छा काम बताएंगे भैया। थैंक यू सो मच भैया, और सब्सक्राइब भी करो भैया का चैनल को, और इंस्टाग्राम पे लिंक डालते भैया, और मैं भी फॉलो करते भैया को, और आप भी फॉलो करो कैसा भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मेरे और फयाज के एक दोस्त है अली मोहम्मद, इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट है, लाइफस्टाइल कोच है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उनको मालूम है मेरे अंदर एक छोटा सा कीड़ा है अंदर, फूड फोटोग्राफी या यू नो बेसिकली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कीड़ा है अंदर। तो उनकी तरफ से एक स्टोरी आई मेरे को, मैसेज में आया कि परेशान अन्ना इज़ लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर। इमीडिएटली परेशान अन्ना को मैसेज किया, रिप्लाई करा, इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर प्लीज़ लेट मी नो द डिटेल्स। मैं उनको स्पेसिफिकली ऐसे मैंशन करके बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है शायद उनको जब तक मैं करता तो बहुत सारे लोग कर दिए थे मैसेजेस उनको, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई फ्रॉम हिम, बट स्टिल आ गया तो मैं यू नो आई वॉज एक्साइटेड, अच्छा लगा। तो उन परेशान अन्ना की तरफ से मैसेज आया कि भाई आप रेडी है क्या, तो मैं बोला भाई अपन रेडी है। तो फिर क्या हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, एक फ़ोन कॉल किए, तो बोले मैं सो एंड सो डेट पर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आना है और वहाँ पर फ़ोटोशूट होगी, कोलाबोरेशन करेंगे, लेट्स डू इट। तो मैं बोला ठीक है, डन। तो हम लोग फोटोशूट जहाँ पर हुई है वो जगह का नाम है टॉप फैशन स्टोर सैयद अली चबूतरा शालीबंडा, बिल्कुल शाग हाउस के पास, ओल्ड सिटी में जो शाग हाउस है वहाँ पर, उसके बिल्कुल पीछे ही है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो ज़रूर यू नो अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप ये वीडियो बताएंगे और परेशान अन्ना का रेफरेंस देंगे ज़रूर, तो ज़रूर आपको अच्छे से अच्छे कपड़े मिलेंगे और डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे लेटेस्ट सारे अपडेट्स अगर जो कुछ भी देखना है तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब से, क्योंकि यू नो पिछले 2 हफ्ते जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे चीज़ें हुई,
फूड फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, अगर परेशान अन्ना की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसको यू नो एडिट करना, फिर वीडियो डालना, तो यू नो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है भाई ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मज़ा आया परेशान अन्ना से मिलके। जो भी हमारा फोटोशूट रहा उसका एक छोटा सा IGTV पे मैंने अपलोड किया है, वो ज़रूर देख लें। यू नो बहुत टाइम से मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, मेरे घर के बाजू बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रहा, धड़ 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 आवाज़ें आते जा रही, तो मैं आई कुडंट डू इट। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। अब घर कब तक बनता नहीं मालूम, आई मीन महीनों तक कंस्ट्रक्शन होते रहता। खैर मुद्दे की बात ये है, बहुत मज़ा आया परेशान अन्ना के साथ काम करके, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। ये सिर्फ यू नो वो अन्ना वाली एक्टिंग नहीं करते, इनके साथ साथ अगर मैं फर्स्ट टाइम जब उनसे फ़ोन पे बात करा तो यू नो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं अन्ना से बात कर रहा हूँ या किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो अलग 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 पर्सनैलिटी है। वो एक सिंगर है, वो एक एंकर भी है और होस्ट भी अच्छे से करते हैं, मिमिक्री भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं लोगों की। तो मैं जितना जानता था उनको सिर्फ एक यू नो परेशान अन्ना की यू नो पर्सनैलिटी मेरे दिमाग में थी कि अन्ना वाली लैंग्वेज से बात करते बड़ा ही फनी, अगर आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करो तो पता चलता। तो मेरे को बहुत मज़ा आ गया टू बी वेरी ऑनेस्ट मिलके, मैं और फयाज भी बहुत इन्जॉय करें मिलके, और कोशिश करेंगे और भी इनके साथ कोलैब्स करेंगे। और परेशान अन्ना की शूट से पहले एक ज़बरदस्त बाइक वाली भी फोटोग्राफी हुई, बाइक राइड वाली, क्योंकि हम लोग को जाना था राइड टू श्रीसैलम। श्रीसैलम तो जा नहीं सके लेकिन आधे रास्ते तक मैं फयाज वापस आ गए फ़ोटो शूट करके, लेकिन बहुत ही मज़ा आया स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही यू नो अच्छे तरीके से मैं वीडियो शूट किया। मैं कार में था और कार के रूफ पे से मैं वीडियो शूट किया, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसलिए भी रहा क्योंकि कार के रूफ पे से मैं ठहर के, कार चल रही थी और बाइक्स आ रहे थे, और यू नो रूफ पे ठहर के वो वीडियो लेना, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसके साथ साथ यू नो बम्पी राइड थी बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आया। तो पहले आप लोग वो चेकआउट करिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कैसा लगा, आई होप मज़ा आया होगा, और काफ़ी मज़ा आया, इट वॉज़ रियली ए गुड एक्सपीरियंस मेरे लिए, तो एडिटिंग वाइज और यू नो शूट करने के लिए भी बहुत मज़ा आया। और अगर आप फ़ोटोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ मैं एक और बार बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वो फ़ोटोज़ भी देखिए, एंड आई होप आप लोग को पसंद आए। और लास्टली मैं बताऊंगा फूड फोटोग्राफी, ये यू नो दिल खुश और दिल पसंद की फ़ोटोग्राफी किया मैं घर पे, बहुत ही मज़ा आया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं दिल खुश खाया और दिल पसंद भी खाया, बहुत यू नो इससे एक यू नो व्हाट यू से एक चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि हम लोग बचपन में छोटे जब थे तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग यू नो वी यूज़ टू वेट, मेरे फादर लाते थे बेकरी से, तो आई मीन ये सारी चीज़ें तो अभी भी मिलती है, लेकिन ये अगर आप बेकरी आइटम्स अगर आप खाओगे
तो यू नो आपका बचपन याद आता था, हैदराबादी जो बचपन रहता है, बचपन में ये सारी चीज़ें खाते, तो वो मेरे को यू नो आई रियली वॉन्टेड टू शो दिस। और इंस्टाग्राम पे मैं एक छोटा सा फोटोग्राफ्स एक सीरीज़ बनाऊंगा सारी चीज़ों की, वो मैं सारे अपलोड करूंगा। अगर मेरे जल्द से जल्द अगर 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाएंगे तो यू नो आई कैन पोस्ट माय फोटोग्राफ्स ऑन यूट्यूब एज वेल। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को मौका है मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं आई कैन नॉट पोस्ट, आई कैन नॉट एंगेज विद माय ऑडियंस विद माय सब्सक्राइबर्स। आप लोगों से गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिर्जिया नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, कहाँ है? हमारे अम्मी आके डिस्टर्ब कर रहे भाई सारी।